वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के वीडियो में हम फ्रेंड्स एमएस धोनी सर का ड्राइंग बनाएंगे। उसमें फ्रेंड्स मैं आपको दो ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका ड्राइंग एकदम परफेक्टली आएगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको मैं ऐसे ही नए नए ट्रिक्स लाता रहूँगा और नए नए वीडियो लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको बिल्कुल भी समझ आएगा ये वीडियो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की ट्रिक जो है एकदम मस्त है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। फ्रेंड्स मैंने फोटो स्क्रीन पे ऊपर लगा लिया है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए पहले आपको अपने पेपर का मिड पॉइंट बना लेना है। उसके बाद आपको 2-2 सेंटीमीटर के जो है 2 सेंटीमीटर के बॉक्स बना लेने हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन पे होंगे फ्रेंड्स वो होंगे 6, और जो वर्टिकल लाइन में होंगे फ्रेंड्स उसमें 9 2 सेंटीमीटर के बॉक्स बना लेने हैं। वैसे आपको फ्रेंड्स बॉक्स बनाने के बाद ऊपर वाले जो है हॉरिजेंटल में उसमें आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लाइन को जो है मार्क कर लेना है। और वर्टिकल हमने बनाए हैं उसमें सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ को मार्क कीजिए। और थर्ड वर्टिकल लाइन में थर्ड वाला जो रो है फ्रेंड्स उसमें हम आर्क बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो आप देखते रहेंगे कैसा मैं बना रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पहली ट्रिक समझ तो आई होंगी कैसे हमने कम समय में अच्छी और एकदम एक्यूरेट आउटलाइन बना ली है। तो आप इसका यूज करके एकदम फास्ट और एक्यूरेट ड्राइंग बना सकते हो। तो हम अभी सेकेंड ट्रिक जो है ये है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको एक मिड पॉइंट बना लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मिड पॉइंट बना लेने के बाद आपको उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है। देखो मैं किस तरह से बना रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद आपको जो है ड्राइंग के हिसाब से आपको आँख और नोज का जो है साइज को के हिसाब से आपको पॉइंट्स बना लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट्स बनाने के बाद आपको जहां आपका नोज आएगा जहां आपके आईज आएंगे उसी हिसाब से देखो पॉइंट्स बना लेने हैं, जहाँ लिप्स आएंगे तो उससे आपका जो ड्राइंग है उतना परफेक्ट मेरे हिसाब से नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो आप बिगनर होंगे तो प्लीज़ फर्स्ट ट्रिक अप्लाई कीजिए, उससे आपका एक्यूरेट ड्राइंग आ जाएगा। और जो है आप फर्स्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप फर्स्ट ही ट्रिक अप्लाई कीजिए जिससे आपका ड्राइंग जो है परफेक्ट आएगा। तो आप हमने बनाए हुआ ड्राइंग को आगे स्टार्ट करते हैं, शेडिंग करते हैं उसे फ्रेंड्स, जो स्टार्ट करते हैं। के लिए मैं फ्रेंड्स एमलिन पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। मैं 3B पेंसिल से बैकग्राउंड को शेडिंग करूँगा, हल्के से शेडिंग करूँगा फ्रेंड्स। मैंने किस तरह से हल्के से शेडिंग कर ली है फ्रेंड्स। तो अब मैं बालों को स्टार्ट करता हूँ, उसे भी मैं हल्के से थोड़ा थोड़ा शेडिंग करूँगा। उसके बाद मैं उसके जो है बाल बनाऊँगा।
4B पेंसिल और 6B और 8B पेंसिल का यूज करूंगा उसके लिए मैं फ्रेंड्स। तो अब मैं फ्रेंड्स सर को शेडिंग के लिए स्टार्ट करूंगा, उसके लिए मैं 3B पेंसिल का यूज करूंगा। ज़्यादा डार्क भी नहीं बनाऊंगा फ्रेंड्स मैं, तो इस तरह से करूंगा। और ब्लेंडिंग स्टंप जो है हम उसका यूज करेंगे, उससे सॉफ्ट शेडिंग आ जाएंगी। और उसके बाद आईब्रोज को स्टार्ट करेंगे, कुछ इस तरह से करना है। वही 3B 6B और 8B पेंसिल का यूज करूंगा फ्रेंड्स मैं, बाद में हम बाकी का हिस्सा भी बना लेते हैं। देखो फ्रेंड्स मैं आईज को किस तरह से बना रहा हूँ, थोड़ा मैं उसके हिसाब से ड्राइंग के हिसाब से मैं थोड़ा डार्क बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने फ्रेंड्स 6B और 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। देखो अब मैं नोज के लिए शेडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, हल्का सा शेडिंग कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बाद में ब्लेंडिंग स्टंप से हम स्मूथ शेडिंग कर लेंगे। आई नो दैट कि फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर आपको बिल्कुल भी समझ आएगा फ्रेंड्स मैं किस तरह से शेडिंग कर रहा हूँ। और जो है फ्रेंड्स ये लाइट की वजह से थोड़ा डार्क नहीं दिख रहा है, जो क्योंकि मैं रात को ये वर्क कर रहा हूँ इसीलिए फ्रेंड्स। तो बिल्कुल भी इसे कट मत कीजिए फ्रेंड्स, एंड तक जरूर देखिए, इससे आपका ही फायदा है फ्रेंड्स, आपको समझ आएगा कैसा शेडिंग करना है फ्रेंड्स। मैं अब जो बाकी वाला जो बचा हुआ हिस्सा है उसे कंप्लीट कर लूँगा। देखो मैं किस तरह से 3B 6B और 8B पेंसिल का यूज़ करके लाइंस बना रहा हूँ, जो उनके ओट है उसे करूँगा शेडिंग। उसके लिए मैं 3B और 8B पेंसिल का यूज़ करूँगा। अब मैं फ्रेंड्स बाकी वाला जो बचा हुआ हिस्सा है, जो उनके बाल है बाकी के नीचे वाले मूछ और उनके, उसे पूरा करूँगा। उसके लिए मैं 6B और 8B पेंसिल का ही यूज़ करूँगा फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स कितने मस्त और रियलिस्टिक उनके बाल लग रहे हैं। अब मैं जो है उनका कान जो है उसे शेडिंग करूँगा, और जो नीचे वाला बचा हुआ हिस्सा है उसे भी कंप्लीट कर लूँगा। अब मैं फ्रेंड्स उनका जो शर्ट है उसे कंप्लीट करूँगा, उसके लिए 3B पेंसिल से हल्का सा शेड करूँगा, बाद में 8B पेंसिल से थोड़े डॉट्स लगाऊँगा जिस तरह से मुझे फ़ोटो में नज़र आ रहा है वैसे ही फ्रेंड्स। देखो किस तरह से कर रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स हमारा ड्राइंग अभी कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपने नहीं किया तो जल्दी कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज का वीडियो अभी कंप्लीट हो चुका है और कितना मस्त और रियलिस्टिक फ़ोटो लग रहा है। तो फिलहाल के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।